ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। 2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है, 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं। उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है, सारी इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह है। बट अगर हम 90% लोगों को देखें, उनके साथ 24 घंटा अन्याय हो रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए 20-25 लोगों का कर्जा माफ हुआ, जीएसटी का पैसा है, जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, मगर किसानों का एक रुपया माफ नहीं होता है। और मैंने सरकार के अंदर से देखा है, जब हमने किसान कर्जा माफी की बात उठाई, जब हम सरकार में थे, तो रिस्पॉन्स मिला कि ये ठीक नहीं है, इससे किसान आलसी हो जाएगा। मनरेगा से गरीब व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है, मतलब वो काम कर रहा है, उसको आप उस काम के लिए पैसा दे रहे हो और उसकी आदत बिगड़ रही है। और दूसरी तरफ 20-25 लोग हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही, वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान के धन को देखें और उसको ट्रैक करें, तो आपको दिखेगा कि ये जो सोने की चिड़िया कही जाती है, इसका पूरा का पूरा धन किसानों से, युवाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से छीन कर ये 20-25-50-200 कितने लोग हैं, ज्यादा नहीं है, इनके ओर फनल